नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के लिए होम्योपैथी की कौन सी इफेक्टिव मेडिसिन आती है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि बरसात के दिनों के आते ही डेंगू के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ जाती है। डेंगू के जो आम तौर पर जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें तेज बुखार का आना, बदन में दर्द होना, त्वचा पे रेड कलर के चकते बन जाना, आंखों में दर्द होना, बदन का टूटना, हाथ पैरों और जोड़ों में बहुत तेज दर्द होना, अगर आपका प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है, 20,000 से कम हो जाता है, तो मसूड़ों से खून आना, नाक से नकसीर आना, चक्कर आना, ये सभी लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसकी वजह से आपका प्लेटलेट काउंट भी बढ़ेगा और आपको बुखार में भी आराम मिलेगा। तो वो मेडिसिन है यूपेटोरियम परफोलियटम 200 की पोटेंसी में आपको दिन में 3 टाइम सुबह, दोपहर और शाम को 2-2 बूंद अपनी जीभ पर टपकानी है। और दूसरी मेडिसिन है केरिका पपाया का मदर टिंचर। केरिका पपाया मदर टिंचर की आपको 15 से 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में लेकर आपको दिन में 3 या 4 टाइम इसको पीना है। इसकी वजह से आपका प्लेटलेट काउंट भी बढ़ेगा और आपको डेंगू के जो भी सिम्टम्स में उसमें आपको पूरा आराम मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।